लाहौर हाई कोर्ट में सानहा मॉडल टाउन बयान हल्फी की नकूल हासिल करने के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई। पंजाब हुकूमत की 24 अक्टूबर तक तमाम मांगी गई दस्तावेजात दरख्वास्त गुजार को देने की यकीन दहानी। इस समाअत के हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर शाकिर से। जी उमर, तहरीक ने सारे मॉडल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्ला समेत दिगर के बयान हल्फी, टेलीफोन रिकॉर्ड का तमाम डाटा हासिल करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू कर रखा है। आज इस केस से मुतल्लिक समाअत हुई है और पंजाब हुकूमत ने अदालत के रूबरू यकीन दहानी करवाई है कि 24 अक्टूबर तक तमाम तर मांगी गई दस्तावेजात दरख्वास्तगार को दे दी जाएंगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शानगुल ने अदालत को बताया कि कुछ दस्तावेजात पंजाब हुकूमत के पास हैं और कुछ रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट के पास। ताहम रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट से रब्ता करके तमाम तर दस्तावेजात दरख्वास्तगार को दी जाएंगी। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के जवाद हामिद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिनके वकील एडवोकेट अजहर सदीक ने अदालत को बताया। उमर, इस हवाले से भी बताएगा कि मेंबरान कौमी असेंबली के लिए इस्लामी तालीमात और नजरिया पाकिस्तान की आगाही के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई है। जी, मेंबरान कौमी असेंबली के लिए इस्लामी तालीमात और नजरिया पाकिस्तान की आगाही के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया है, जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 30,000 रुपए जुर्माना भी किया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने एडवोकेट मोहम्मद साद सलीम की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेंबरान कौमी असम्बली के लिए इस्लामी तालीमात और मुल्क की तारीख से आगाही जरूरी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेंबरान कौमी असम्बली की अक्सरियत इस्लामी कवानीन और पाकिस्तान की तारीख से केसेस की समातों के हवाले से बता रहे थे उमर शाकिर, शुक्रिया आपका।